नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के पाठ्यचर्य में अंकित विषय सैद्धांतिक पेपर पैटर्न का परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। पेपर पैटर्न का परिचय। किसी भी वस्त्र का तैयार नाप का ड्राफ्ट जब पेपर पर बनाया जाता है और उसको बाहरी रेखाओं पर से काट लेते हैं तब वह पेपर पैटर्न कहते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, जो डिजाइन बनानी है उसी का हूबहू ठीक नमूना हमने पेपर पैटर्न पे बनाया है, यही पेपर पैटर्न होता है, इसको पेपर पैटर्न कहते हैं। समान बोलचाल की भाषा में पैटर्न को पत्रण भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सबसे पहले उसका पैटर्न बनाया जाता है, यह उच्च प्रशिक्षित तकनीक है। फैशन डिजाइनिंग में पैटर्न का अभिप्राय जिस वस्त्र को तैयार किया जाना है उस वस्त्र का कागज पर ठीक वैसा ही नमूना तैयार करने से है। यह कागज एवं पेपर पर बनाया जाता है, इसलिए इसे पेपर पैटर्न कहा जाता है। इस प्रकार कपड़े को काटने से पहले कागज पर ड्राफ्टिंग बनाने एवं काटने की प्रक्रिया को पेपर कटिंग अथवा पेपर मेकिंग कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के डिजाइनर गारमेंट परिधान को बनाने से पहले पेपर पैटर्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, फैशन का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में भी पेपर पैटर्न बनाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पेपर पैटर्न बनाने के लाभ। पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में सबसे पहले समय की बचत। पेपर पैटर्न बनाने से हमारे समय की बचत होती है। पैटर्न बनाकर वस्त्र काटने में प्रारंभ में कुछ समय अवश्य लगता है, लेकिन एक ही नाप के अधिक वस्त्र तैयार करने में पैटर्न मेकिंग की यह विधि आसानी से तथा जल्दी हो जाती है। एक ही पैटर्न से बहुत सारे साइजेस को में पैटर्न बनाए जा सकते हैं और एक ही पैटर्न से डिजाइन में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। एक ही साइज से अधिक पैटर्न बनाए जा सकते हैं, जैसे 38 साइज के पैटर्न को 36 साइज में कन्वर्ट करना हो तो 38 साइज के पैटर्न को अंदर की तरफ चारों तरफ दो दो इंच कम करते जाएंगे तो जो पैटर्न तैयार होगा वो 36 साइज का पैटर्न तैयार होगा। 38 साइज के पैटर्न को 40 साइज में कन्वर्ट करना हो तो 38 साइज के पैटर्न को चारों तरफ से दो दो इंच बढ़ाएंगे, जिससे कि जो पैटर्न तैयार होगा वो 40 साइज का पैटर्न तैयार होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक ही पैटर्न से कई सारे साइजेस बना सकते हैं और एक ही डिजाइन के पैटर्न को भी कई डिजाइन में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे समय की बचत होती है। पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में अगला है कपड़े की बचत। पेपर पैटर्न बना लेने से हमको यह पता चल जाता है कि हमें अपने कपड़े में से गारमेंट का कौन सा भाग कहाँ से निकालना है। जैसे कपड़े में सबसे पहले हम गारमेंट के बड़े भागों को निकालते हैं, कपड़े को फोल्ड करते हैं और बाएं तरफ से बड़े भागों को निकालते हैं, जैसे गारमेंट के आगे और पीछे का भाग, और कपड़े के जो दाहिने तरफ कपड़े रहता है, जो बचा हुआ कपड़ा है, उसमें गारमेंट के बाकी के कंपोनेंट्स निकालते हैं, जैसे पॉकेट्स, योक, फ्रिल्स, कॉलर आदि। पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में आगे है गलतियों में सुधार। पेपर पैटर्न बना लेने से हमको अपने गलती का पता चल जाता है। पेपर पैटर्न काट लेने से वस्त्र की पूरी रूपरेखा हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे कि वस्त्र का भाग या शेप ठीक प्रतीत ना हो तो उसमें बदला जा सकता है। ड्राफ्टिंग करने के बाद पुनः निरीक्षण किया जाता है, जिसमें कि कई सारी चीजों को देखा जाता है, जैसे शेप्स जांचना, डार्ट्स जांचना, बैलेंस मार्क्स देखना और प्लीट्सों के निशान के चिन्हों को देखना। कोई ऐसा निशान तो नहीं छूट रहा है जो हमको फैब्रिक पे उतारना है, जिस कारण हमारा परिधान में इफेक्ट पड़ेगा या हमारे परिधान में फिटिंग नहीं आएगी। इस तरीके से हम पेपर पैटर्न में ही चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारी कौन सी गलती हो रही है, उसको सुधारा जा सके। पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में अगला है कपड़े का सही अनुमान। पेपर पैटर्न बना लेने से हमको यह पता चल जाता है कि एक व्यक्तिगत पैटर्न या डिजाइनर पैटर्न में कितना कपड़ा लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपके एक रुख वाला प्रिंटेड फैब्रिक है जिसके फूल पत्ती एक डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो हमको यह देखना है कि उसमें से हमको अपना गारमेंट का कौन सा भाग कहाँ से निकालना है, जिससे कि जो हमारा गारमेंट तैयार होगा उसमें कोई मिसप्रिंट जैसी संभावना ना हो, या आगे और पीछे के पल्ले में प्रिंट की गड़बड़ी ना दिखे। इसलिए हम पेपर पैटर्न को अपने फैब्रिक में इस तरीके से रखने में सहायता मिलती है कि उसमें मिसप्रिंट जैसी संभावना नहीं होती है। कभी कभी होता है जो हमारा फैब्रिक होता है उसमें रोए होते हैं, जो फर वाले होते हैं, उसके भी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने पेपर पैटर्न को रखते हैं, जिससे कि जो हमारा गारमेंट तैयार होता है वो सही फैब्रिक के और सही डायरेक्शंस में ही फैब्रिक हमारा कटता है। पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में अगला है डिजाइन बनाने में आसानी। पेपर पैटर्न में इच्छा अनुसार डिजाइन बनाए जा सकते हैं जो वस्त्र को सुंदर बनाते हैं। यदि डिजाइन बनाते समय पैटर्न में कोई खराबी लगे या कपड़े पर अच्छा नहीं लगे तो उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है अपने पेपर पैटर्न में कि कौन सी डिजाइन हमारे गारमेंट पे या हमारे परिधान में अच्छी लगेगी। जैसे मान लीजिए हम अपने गारमेंट में योग के शेप देना चाह रहे हैं, और अगर हम पेपर पैटर्न बनाते समय वही डायरेक्शंस देख लें कि ये योग हमारे गारमेंट में अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अपने डिजाइन को और अच्छे से बना सकते हैं। डार्ट्स का भी मैनिपुलेट करके, डार्ट को भी चेंजेस करके अपने गारमेंट में फिटिंग दे सकते हैं। कहाँ पे कौन सी डार्ट डालनी है कि गारमेंट में हमारे किस एरिया में या किस भाग में अच्छी शेप आएगी, यह भी देख सकते हैं। और फ्रिल पॉकेट्स का भी प्लेसमेंट करके हम यह देख सकते हैं कि हमारे गारमेंट में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी। पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में अगला है स्थायी रूप से पैटर्न संभालना। फैक्ट्रियों में संभाल कर अधिक समय तक रखना पड़ता है। उनके पैटर्न को कार्डबोर्ड पर बनाया जाता है एवं कटिंग की जाती है। प्रायः इनका प्रयोग तब करते हैं जब व्यक्तिगत पेपर पैटर्न को द्वारा पैटर्न को फाइनल कर लिया जाता है, उसके निशान कार्डबोर्ड पर लगाकर कटिंग कराई जाती है। यह पैटर्न स्थायी रूप से संभाल कर रखे जाते हैं। समय समय पर इनका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। जैसे कि उनका ऑर्डर आता है वो पेपर पैटर्न को निकालते हैं और लेआउट करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से घरेलू महिलाएं भी पेपर पैटर्न को स्थायी रूप से रखती हैं। वह पैटर्न न्यूज़पेपर या सादे पेपर पर बनाकर रखती हैं, जिससे कि वो समय पर अपनी इच्छा अनुसार पेपर पैटर्न को निकाल के अपने गारमेंट को तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो भी अपने पेपर पैटर्न को स्थायी रूप से संभाल कर रखते हैं, ताकि वे भविष्य में अपने इच्छा अनुसार गारमेंट को अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बना सकें। पेपर पैटर्न में आगे हम पढ़ेंगे पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग। पेपर पैटर्न बनाते समय हमें किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ती है यह जानेंगे एवं उनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ड्राफ्टिंग टेबल। ड्राफ्टिंग टेबल हमारी प्रयोग जो करते हैं उसकी ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए, और चौड़ाई की बात करें तो 1.5 मीटर तक की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इस पर फुल स्केल ड्राफ्टिंग की जाती है। इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी रहती है कि आप फुल स्केल में इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ब्राउन पेपर को सही से बिछा कर उसकी फुल मेजरमेंट ले सकते हैं। इसमें छोटी सी ड्रॉर होती है जिसमें मिल्टन चौक और पेंसिल रबर जैसे सामान रख सकते हैं, जिससे कि सामान लेने में इधर उधर आपके समय की बर्बादी ना हो। आगे है उपकरण एवं प्रयोग में मिल्टन क्लॉथ। मिल्टन क्लॉथ यह एक ऊनी मोटा कपड़ा होता है। इस कपड़े को ड्राफ्टिंग टेबल पर फिट करके ड्राफ्टिंग की जाती है। चौक से ड्राफ्टिंग करके ब्रश से साफ की जाती है। ड्राफ्टिंग सीखने के लिए यह सबसे आसान तथा सस्ता ढंग है, क्योंकि इस पर बार बार ड्राफ्टिंग की जा सकती है। इसकी सतह मुलायम होती है, जिससे कि आप जिस पेपर पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वह पेपर सुरक्षित रहता है, पेपर खराब नहीं होता है। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर पर हम पेपर पैटर्न बनाते हैं, जिसकी हम खुरदरी साइड का प्रयोग करते हैं। यह पेपर फुल लेंथ में होता है और उसकी चौड़ाई भी फुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है मिल्टन चौक। मिल्टन चौक को हम टेलर चौक भी कहते हैं, और यह विभिन्न रंगों में पाई जाती है, विभिन्न रंगों में मार्केट में मिलती है, जिससे कि हम डिजाइन दर्शाने में आसानी होती है और इससे विभिन्न साइज के पैटर्न को भी दिखाने में आसानी होती है।
डार्ट के चिन्ह लगाते हैं, इसमें बैलेंस मार्क के चिन्ह भी इसी के द्वारा लगाए जाते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है पेंसिल। पेंसिल हम HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जिसकी नोक शार्प और महीन रखनी चाहिए, जिसकी सहायता से जो भी हम लाइन खींच रहे हैं वो शार्पली एवं साफ सुथरी दिखनी चाहिए। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है कटर। हमें उच्च क्वालिटी का कटर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो हम पेंसिल शार्प कर रहे हैं उसकी नोक एकदम शार्प हो और बार बार टूटे ना। उपकरण एवं प्रयोग में अगला है इरेजर। इरेजर जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह लचीला होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। रबर प्रयोग करने से पहले पुराने कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, ताकि उसका निशान आपके पेपर पैटर्न को गंदा ना कर दे। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है ब्रश। ब्रश की सहायता से जो हम इरेज करते हैं उसके कण रह जाते हैं, उसको साफ करने में इस ब्रश की सहायता ली जाती है, जिससे कि अगर हम हाथ से साफ करेंगे तो पूरे ब्राउन पेपर गंदा हो जाएगा। ब्रश से सफाई साफ करेंगे तो जो मिल्टन क्लॉथ होता है उसके ऊपर जो गंदगी चिपक जाती है उसको साफ करने में इसकी मदद लेते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है इंची टेप। इंची टेप हमारा 60 इंच का होता है और इसके अगल बगल धातु की पत्ती लगी रहती है। यह सिंथेटिक का होता है एवं प्लास्टिक का होता है, जो कि जल्दी फटता नहीं है और इसके द्वारा हम शरीर के नाप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम जो शरीर की गोलाई लेते हैं उसको अच्छे से हम नाप सकते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है टांग का नाप लेने की टेप। इसका प्रयोग हम करते हैं क्रॉस लेंथ के लिए। जो हमारे लोअर गारमेंट होते हैं, जैसे पैंट, चूड़ीदार पजामा, पैंट कट पजामा, उसमें हम क्रॉस लेंथ लेते हैं। इसकी सहायता से उसकी नाप हम अच्छे से ले सकते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का प्रयोग हम छोटे ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं। जो हमारे प्रशिक्षार्थी होते हैं जो छोटी ड्राफ्टिंग सीखते हैं और उसको भविष्य में आगे अपने फुल मेजरमेंट पर ड्राफ्टिंग करके अपने परिधान को बना सकते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है CPG स्केल। CPG स्केल का हम फुल फॉर्म है कटिंग प्रैक्टिकल गाइड। इसकी सहायता से हम कोट का मेजरमेंट लेते हैं और कोट के मेजरमेंट में हम इकट्ठे 3 नाप एक साथ ले सकते हैं, जैसे शोल्डर की नाप, चेस्ट की नाप और आर्म साइज यानी कि आर्म होल की गहराई की नाप। यह 3 नाप एक ही समय में एक बार लिए जा सकते हैं, जिससे कि जो कोट में पैडिंग होती है उसकी नाप भी हम अच्छे से लेते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है नाप स्टैंड। नाप स्टैंड की सहायता से हम परिधान की लंबाई लेते हैं, जिससे कि परिधान की लंबाई पता चल जाती है। इंची टेप से कभी कभी हम परिधान की लंबाई नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम टुकड़ों में परिधान की लंबाई लेते हैं। नाप स्टैंड में हम जिसकी नाप लेना है उसको खड़ा करने के बाद उसके स्केल से उसकी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। नाप स्टैंड के बाद अगला उपकरण है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व हमारा 12 का सेट होता है। इसमें इसकी सहायता से हम परिधानों में गले की, शोल्डर की, आर्म होल की या हिप की गोलाई लेने में सहायता लेते हैं। यह प्लास्टिक एवं लकड़ी की भी मिलती रहती है। उपकरण एवं प्रयोग में अगला है प्रकार। प्रकार की सहायता से हम फ्रॉक के घेर बनाते हैं। अम्ब्रेला स्लीव का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से जो हम गोलाई देते हैं उसमें सफाई आती है और गोलाई देने में सहायता मिलती है। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण में आगे उपकरण है फुट रूलर। फुट रूलर का प्रयोग करते हैं अपने फैब्रिक को नापने के लिए, कि फैब्रिक हमारे कितने मीटर का है, यह नापने के लिए इसकी सहायता मिलती है। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है लेग शेपर। लेग शेपर का प्रयोग हम लोअर गारमेंट के लिए करते हैं। ड्राफ्टिंग करते समय पैंट की गिदरी तथा कोट की बाजू के आकार के लिए काम आने वाला यह उपकरण है। इसकी लंबाई 24 इंच होती है तथा 30 इंच होती है। इसकी मोटाई 1.5 सूत तक की होती है। अगला हमारा है दर्जी कर यानी कि टेलर आर्ट कर। यह प्लास्टिक की लकड़ी गत्ते के बने मिलते हैं। इसको स्केल भी कहते हैं। इसके एक साइड 1/4 तक तथा दूसरी साइड 1/6 स्केल के निशान लगे रहते हैं। आगे है
आयरन स्क्वायर, आयरन स्क्वायर यह हमारे लोहे की बनी रहती है और इसकी सहायता से हम फैब्रिक पर निशान लगाते हैं। जितनी छोटी डिजाइन होती है उसके भी निशान लगाने में यह आसान रहती है और यह लकड़ी एवं बुनिया भी इसको कहते हैं। यह एक इंच, एक जो इसकी भुजा होती है 24 इंच की होती है और एक भुजा 12 इंच की होती है। इसके बाद हमारा जो अगला उपकरण है वह है ग्रेजुएट स्क्वायर। यह स्केल में बना होता है। इसमें 24 इंच यानी कि 60 सेंटीमीटर व 40 इंच यानी कि 120 सेंटीमीटर तक के भाग होते हैं। लंबाई की तरफ को 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48 के निशान तथा चौड़ाई की तरफ को 1/4, 1/8, 1/11, 1/16 और 1/32 के भाग लिखे रहते हैं, जिससे कि हम महीन से महीन डिजाइन, बटन्स, प्लीट आदि के निशान लगाने में इसकी सहायता लेते हैं। उपकरण एवं प्रयोग में अगला है कैंची। कैंची हमारा पेपर काटने के काम आती है। कैंची भी हम दो तरह की कैंची यूज करते हैं। एक होती है शार्पी नोक वाली, जिसकी सहायता से हम पेपर को शार्पली नोकदार कट कर सकते हैं। दूसरी साधारण कैंची होती है, जिससे कि हम साधारण पेपर को लंबाई में चौड़ाई में काटने के काम लाते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में अगला है पैटर्न नॉचर। पैटर्न नॉचर का प्रयोग हम करते हैं फैब्रिक में, जहां पर हमें गारमेंट में अधिक कर्व की जरूरत पड़ती है वहां पर हम पेपर पैटर्न में अधिक कर्व के लिए नॉचर का प्रयोग करते हैं, जो कि तिकोने आकार का होता है और जहां पे यह निशान लगे रहते हैं वहां पे हम अधिक कर्व देने का कोशिश करते हैं और अधिक कर्व देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेपर पैटर्न बनाते समय सावधानियां। पेपर का पैटर्न पूरे नाप का बनाना चाहिए। जो भी हम पेपर पैटर्न बना रहे हैं वो फुल स्केल का बनना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। ब्राउन पेपर पर खुरदरी सतह पर ही डिजाइन बनाना चाहिए। खुरदरी सतह पर ही ड्राफ्टिंग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम जो भी ड्राफ्ट बना रहे हैं वो साफ एवं सुथरी दिखाई दे। चिकने सतह पर हम ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें पेंसिल हमारी खिसकती है, जिससे कि हम जो लाइन खींच रहे हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है। पेपर पैटर्न बनाते समय सावधानियां। अगला है पेपर पैटर्न। ब्राउन पेपर, अखबार एवं सादे पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेपर पैटर्न को जरूरी नहीं है कि हम ब्राउन पेपर पर ही बनाएं, इसके लिए हम अखबार एवं सादे पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेपर पैटर्न बनाते समय सावधानियों में अगला है पेपर पैटर्न बनाते समय नाप की पुस्तिका सामने होनी चाहिए। जब भी आप पेपर पैटर्न बनाएं या ड्राफ्टिंग बनाएं तो यह जरूर रहे कि आपके सामने नाप की पुस्तिका होनी चाहिए, जिसमें कि नाप एक क्रम अनुसार लिखी होनी चाहिए और जो भी आप डिजाइन प्रयोग कर रहे हैं वो सारी डिजाइन का विस्तृत रूप से इसमें विवरण होना चाहिए। कितने बटन्स आप यूज कर रहे हैं, प्लीट्स कितने सेंटीमीटर की यूज कर रहे हैं, कितने डार्ट यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों का विस्तृत विवरण नाप पुस्तिका में होने चाहिए, जिसकी सहायता से आप पेपर पैटर्न बना सकते हैं। सावधानियों में अगला है पेपर पैटर्न बनाते समय बारीक व साफ लाइनों का प्रयोग करना चाहिए। पेपर पैटर्न में जो भी आप लाइन प्रयोग कर रहे हैं वो एक ही बार में साफ एवं सुथरी होनी चाहिए। उसके ऊपर 2-3 लाइन नहीं चलानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो आपको पता ही ना चल पाए कि आपकी स्टिचिंग लाइन कौन सी है और कटिंग लाइन कौन सी। इसलिए हमें बारीक एवं साफ सुथरी लाइन का ही प्रयोग करना चाहिए। पेपर पैटर्न बनाते समय डार्ट्स, बैलेंस मार्क्स, पॉकेट्स, प्लीट्स आदि सभी चिन्हों पर नॉचेस लगाने चाहिए। जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं अपने गारमेंट में, कितने डार्ट्स प्रयोग कर रहे हैं, कितनी पॉकेट्स प्रयोग कर रहे हैं, जहां जहां पर प्रयोग कर रहे हैं वहां पे नॉचेस का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके गारमेंट में कितनी डार्ट्स, कितनी पॉकेट्स और कितनी प्लीट्स आ रही हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेपर पैटर्न बनाते समय प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह। जहां जहां कपड़ा काटना होता है उन स्थानों पर पैटर्न तो काट लिया जाता है, परंतु केवल पैटर्न काट लेने से ही कपड़े की कटिंग करने में पूर्ण सुविधा नहीं मिलती है। जब तक कि पैटर्न पर सभी निशान आवश्यक रूप में से अंकित ना हो एवं उन सभी निशानों को कपड़े पर ना उतारा गया हो, पैटर्न या वस्त्र पर जिन निशानों के द्वारा सूचना या जानकारी दी जाती है उसे निशान अथवा मार्किंग कहते हैं।
यह निशान पेपर पैटर्न पे अवश्य लगाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके गारमेंट में क्या क्या चीज लग रही है और कहाँ पे कितने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लग रही है, जिससे कि जो आपका परिधान बनेगा वो फुल मेजरमेंट फुल फिटिंग के साथ बनेगा और आकर्षित लगेगा। प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह में सबसे पहले स्टिचिंग लाइन के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि पेपर पैटर्न में स्टिचिंग लाइन कहाँ पे है और वही निशान आप अपने फैब्रिक पे उतारते हैं। कटिंग करते समय यही लाइन आप स्टिच करते हैं। प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह में अगला है ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन हम फैब्रिक के ताने को दर्शाता है, यानी कि हम जो फैब्रिक कट कर रहे हैं, जो हम गारमेंट बनाते हैं, वो ताने की दशा में ही बनाते हैं। इसलिए हमें जब भी गारमेंट कट करें तो यह जरूर देखें जो आप फैब्रिक रख रहे हैं वो ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग ही हो। प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह में अगला है मोड़ का चिन्ह। मोड़ का चिन्ह यह बताता है कि आपके अपने फैब्रिक को किस तरफ मोड़ना है, कितना मोड़ना है, कितने इंच का मोड़ना है, यह दर्शाने के लिए हम पेपर पर इस तरह का निशान प्रयोग करते हैं। बस्ट लाइन एवं वेस्ट लाइन के लिए सर्कुलर शेप का प्रयोग करते हैं हम अपने पेपर पैटर्न में, ताकि हम यहाँ फैब्रिक पर निशान लगा सके कि हमें इस जगह पर अधिक वेस्ट पे अधिक चेस्ट पे अधिक कर्व की जरूरत है। जिप का यह चिन्ह लगाना चाहिए हमें अपने पेपर पैटर्न पे, ताकि हमें पता चले कि हमें अपने फैब्रिक पे कहाँ पे क्लोजिंग देनी है, कहाँ पर हमको इस जिप का प्रयोग करना है। प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह में अगला है छोटी लाइन एवं बड़ी लाइन। पेपर पैटर्न में ड्राफ्टिंग करते समय कभी होता है कि हमारा पेपर पैटर्न लंबाई में कम हो जाता है, तो इसके लिए इस हम छोटी और बड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं, ताकि फैब्रिक पर जब हम निशान लगाएं तो यह देख लें कि हम कपड़े को थोड़ा बढ़ाते हुए काटें, इसलिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बटन के चिन्ह के लिए हम क्रॉस का निशान लगाते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे गारमेंट में कितने बटन लग रहे हैं, और पेपर पैटर्न पे यह दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको उस जगह ओपनिंग रखनी होती है और प्लेकेट बनाना पड़ेगा, जिसलिए हमें पेपर पैटर्न को भी फोल्ड करना होगा और वही निशान हमें अपने फैब्रिक में उतारना होगा। बटन होल के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारे पेपर पैटर्न में कितने बटन होल लग रहे हैं और कितने बटन्स लग रहे हैं, कितने साइज के बटन और बटन होल्स लगेंगे। बटन के साइज का ही बटन होल होना चाहिए, ताकि बटन लगाने और चढ़ाने उतारने में कोई दिक्कत ना हो। पेपर पैटर्न में नॉचेस का भी प्रयोग करते हैं। नॉचेस के लिए हम बड़ा सर्कल और तिकोने आकार का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि कहाँ पर हमको अधिक हमको कर्व देना है, कहाँ पे हमको बैलेंस मार्क्स लगाने हैं, कहाँ पे पॉकेट्स लगानी है, कहाँ प्लीट्स लगानी है, यह सब दर्शाने के लिए हम इस नॉचेस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह में अगला है डार्ट का चिन्ह। पेपर पैटर्न में कहाँ पर हमारी हाफ डार्ट लग रही है, कहाँ पे हमारी फुल डार्ट लग रही है, इसका चिन्ह भी लगाया जाता है, ताकि यह फुल और हाफ डार्ट का निशान हम अपने फैब्रिक को उतार सके, जिसकी सहायता से जो हमारा गारमेंट हो उसमें भी डार्ट पड़ सके। यह भी पता चलता है कि हमें अपने गारमेंट में कितने डार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी डार्ट हमारी वन रूप वाली है यानी वन साइडेड डार्ट है, और कौन सी हमारी टू साइडेड डार्ट है, यह भी हमें इस चिन्ह द्वारा पता चलता है। कटिंग लाइन का हम प्रयोग करते हैं पेपर पैटर्न में, ताकि हमको पता चले कि पेपर पैटर्न में हमें किस तरफ काटना है और किस लाइन से काटना है, इसलिए हम कटिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। इन सब चिन्हों का प्रयोग करना हमें बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं जो हमारी डार्ट पड़ रही है वो कितने इंच की पड़ रही है, कितने गहराई की पड़ रही है, यह जांच लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ डार्ट का स्पेस देख रखा है, ये इसको बोलते हैं डार्ट पॉइंटेड, इसको पॉइंट डार्ट बोलते हैं। और जो यह कपड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये सेंटीमीटर है, यानी कि हमको गहराई है, कितने हमें सेंटीमीटर की गहराई की डार्ट चाहिए, यह इस चित्र द्वारा दिखाया जा रहा है। और इसके अंदर जो कपड़ा है ये इंटैक कहलाता है, यानी कि डार्ट इंटैक, यानी कि यह कपड़ा आपके सिलने के बाद कपड़े में अंदर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके गारमेंट में फिटिंग आती है। डार्ट के द्वारा हम अपने गारमेंट में फिटिंग को दर्शाते हैं। जितने अधिक हमारे जहाँ पे अधिक कर्व देने का जगह होती है, जैसे वेस्ट पे और जहाँ चेस्ट पे, वहां पे इन डार्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो शेप आता है गारमेंट का वो बहुत ही अच्छा आता है। सारांश, आज हमने पढ़ा पेपर पैटर्न का परिचय,
पेपर पैटर्न किसको कहते हैं? पेपर पैटर्न वह होता है जिसको कि कागज पर ठीक वैसा ही नमूना तैयार कर लिया जाता है जैसा कि आपको परिधान चाहिए। पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में हमने पढ़ा, पेपर पैटर्न बनाने के लाभ में सबसे पहले समय की बचत, कपड़े की बचत, डिजाइन बनाने में आसानी होती है और यह भी पता चल जाता है कि हमको कपड़े में कौन सा भाग कहाँ से निकाला जाना है और स्थायी रूप से पेपर को संभालना आना चाहिए। यह सब हमने पेपर पैटर्न के लाभ में पढ़ा। पेपर पैटर्न बनाने के उपकरण एवं प्रयोग में हमने विभिन्न तरह के उपकरणों को जाना, जैसे ड्राफ्टिंग टेबल, मिल्टन चौक, पेंसिल, मिल्टन क्लॉथ, ये सारी चीजें हमने उपकरण में देखा और उसको किस तरीके से प्रयोग करते हैं यह भी जाना। पेपर पैटर्न बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पेपर पैटर्न को हमेशा उल्टी साइड पे ही पेपर पैटर्न बनाना चाहिए ताकि निशान हमारा उभरा हुआ सा आए, और जितने भी चिन्ह हैं वो चिन्ह जरूर लाने चाहिए, चाहे बैलेंस मार्क हो या नॉचेस हो, पॉकेट्स हो, लीड्स हो, इन सब का चिन्ह हमेशा लगाना चाहिए अपने पेपर पैटर्न में ताकि वह निशान आप अपने फैब्रिक पे उतार सके, जिसके कारण जो आपका परिधान तैयार होगा वो फिटिंग एवं सुंदर लगेगा। पेपर पैटर्न बनाते समय प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह में हमने विभिन्न प्रकार के चिन्ह पढ़े, जैसे बटन का चिन्ह, ग्रेन लाइन, किस तरीके से हमें अपने कपड़े को फोल्ड करना है, कहाँ पे हमको जिप प्लेसमेंट चाहिए, कहाँ पे हमें बटन चाहिए, कहाँ पे बटन होल चाहिए, डार्ट कितनी चाहिए, नॉचेस कहाँ कहाँ लगाने हैं, ये सारे चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा। संदर्भ किताब का नाम फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, लेखक गायत्री वर्मा एवं कपिल देव, NSQF लेवल 4 एंड NCVT सिलेबस के अंतर्गत, और बाकी की जानकारी आप इंटरनेट विकिपीडिया से ले सकते हैं। आज मैंने पेपर पैटर्न पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।